आप भूल तो नहीं गए आप भूल तो नहीं नहीं गए रोहित बेमुला को आपके चेहरे पर शिकर नहीं है आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं आपकी आंखें नम नहीं हो रही है क्या आप भूल गए रोहित बेमुला को उनकी माँ सिलाई करती थी पिता से अलग रहती थी पिता ने छोड़ दिया था और रोहित बेमुला अपनी मेहनत पर अपनी ताकत से पीएचडी कर रहे थे कार्ल सार्गन की तरफ वो अंतरिक्ष की सैर करना चाहते थे वो चांद तारों पर किताबें लिखना चाहते थे अपने मेरिट के दम पर जनरल कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट होते हुए क्वालिफाई किया था पीएचडी में वो टॉपर थे जीआरएफ में वो टॉपर थे पच्चीस हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी लेकिन उनको मरने के लिए मजबूर किया गया पता है क्यों क्योंकि रोहित बेमूला सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे थे वो हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ लर रहे थे ताकि हमारे बच्चों को फिर से एक लब की तरह अंगूठा न काटा जाए ताकि संभूक की तरह किसी का बध न हो ताकि कर्ण की तरह किसी को शूद्र कहकर अपमानित न किया जाए ये मैं इसलिए धर्म ग्रंथों से कोट कर रहा हूं क्योंकि आजकल सब हिंदू बने हुए हैं और इस देश के तीन परसेंट ब्राह्मण हिंदू किस तरह से इस देश के संतानवे परसेंट एस सी एस टी ओबीसी किसान हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं में रोहित बेमूला ने सुसाइड करने के लिए मजबूर हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहे रोहित बेमूला की पता है गलती क्या थी टॉपर थे शानदार पढ़ते लिखते थे चुपचाप रह जाते तो वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार लेते लेकिन वो चुप नहीं थे वो बाबा साहब की मानस संतान थे वो फूले प्रियार अम्बेडकर को मानते थे और वो चाहते थे कि इस देश में जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव न हो वो चाहते थे कि इस देश में किसी के साथ गैर बराबरी न हो और वो भी कहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में मीडिया में जुडिशियरी में ब्यूरोक्रेसी में जहाँ नंबर काटे जाते हैं जहाँ आपके बच्चों को टॉर्चर किया जाता है उनकी पच्चीस हजार रुपए की स्कॉलरशिप रोक दी गई थी क्योंकि उन्होंने बिरसा फुले अंबेडकर एसोसिएशन बनाया था वो एबीपी के गुंस को एबीपी के जातिवाद मनुवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होकर बोलते थे स्मृति ईरानी उस समय केंद्रीय मंत्री थे एमएसआरडी के एक और बंडारू दत्तात्रेय नेता था उसने चिट्ठियां लिखी उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई यह तस्वीर देख लीजिए हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है कंबल है रोहित बारा मतलब बेली बारा बोलते थे वो बेली बा, बेली बारा का मतलब होता है उन लोगों के रहने की जगह जहां मनुबाद ने अछूतों के लिए जगह बना दी हो शूद्रों के लिए जगह बना दी हो रोहित के स्कॉलरशिप रोक दिया गया था रोहित बेमुला का लगभग एक साल छह महीने से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी आप सोचिए जिनकी मां मजदूरी करती हो जो उसे स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ाई कर रहे थे उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई स्कॉलरशिप ही नहीं रोकी गई वो अपने दोस्तों के नाम पर कैंटीन में खाना खाते थे उनके कैंटीन में खाना खाने पर रोक लगा दी गई उनको कॉलेज के कैंपस परिसर में जाने पर रोक लगा दिया गया बताइए वो क्या करते उनके पास कोई रास्ता नहीं था हम लोगों नेशनल दस्तक में नए नए थे हमें पता नहीं था किसी ने साथ नहीं दिया वो लड़ते लड़ते थक गए थे सोचिए आज हम लोग को इतनी गालियां दी जाती है जब हम सोशल मीडिया पर वीडियो चलाते हैं ये कौन लोग हैं जो गाली देते हैं कोई बहस हुई क्या रोहित बेमुला पर जो लोग रामचरित्र मानस पर बहस कर रहे हैं छूत पर बहस कर रहे हैं उन्होंने रोहित बेमूला के जांच हुई किसी पर कोई आरोप सिद्ध हुआ किसी का कुछ हुआ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस्तीफा दिया था पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखनऊ में बहुजन छात्रों ने सवाल पूछा था कुछ हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में वही लोग बैठे हुए हैं आप बताइए ना एक छात्र जिसकी जिसका जीवन चलता हो स्कॉलरशिप से उसके स्कॉलरशिप रोक दिया आपने मरने के लिए मजबूर कर दिया गया और आज भी इस देश में अपने सीने पर हाथ रख के कहिए अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी माइनोरिटी किसान जातियों से हैं जाट पटेल मराठा गुर्जर हैं आप नौकरी पा लेते हैं अगर क्या सम्मान से नौकरी करते हैं आप राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ठीक ही कहा है कि एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लिए किसान जातियों के लिए रिजर्वेशन से नौकरी पा लेना आसान है लेकिन सम्मान से नौकरी पूरा करना मुश्किल है सोचिए हम लोग एक पत्रकार थे टेलीविजन चैनल में नौकरी की है मैंने इस देश की टॉप पत्रकारिता इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है मैं क्या गलती करता हूं मैं इस देश के एस सी एस ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के हक अधिकार की बात करता हूं मैं सवाल उठाता हूं कि कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो जुडिशियरी हो मीडिया हो ब्यूरोसी हो बिजनेस हो हमारी भागीदारी क्यों नहीं है क्यों नहीं हम लोग के लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे खुल रहे हैं क्यों सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है क्यों सरकारी स्कूल बेचे जा रहे हैं क्यों हमारे लोग को नौकरी पेशा में परेशान किया जा रहा है यह अपराध है हम इनके कर्मकांड के खिलाफ बोलते हैं तो यह अपराध है मैं फिर इस देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूं अपने बच्चों के साथ खड़ा होना सीखिए नहीं तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहेंगे आप कितने रोहित बेमूला गमाएंगे कितने डेल्टा मेघवाल होगा कितनी पायल तट भी होंगी कब तक आप अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे कम से कम रोहित बेमूला की शहादत को बेकार मत जाने दीजिए और इस देश में इस देश के तमाम एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी और किसान जातियों को अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए तनकर खड़ा होना होगा इनसे सवाल पूछना पड़ेगा बोलना पड़ेगा लिखना पड़ेगा क्या गलती थी रोहित बेमूला की और आज रोज यही हो रहा है इस देश में आप अगर एक भी मैं दावा करता हूं मैं रोज टॉक शो शुरू करने वाला हूं आज टू शंभू मैं इस देश के एस सी एस ओबीसी मंत्री हों राष्ट्रपति हो एम एल हो एम हो, हो अगर सवर्णों की पार्टी में है वो अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि क्या वो आजाद हैं क्या वो अपने समाज के हितों पर बोल सकते हैं एक डर उनके मन में बैठा दिया गया है एक डर है उनके जहन में और सिर्फ तीन फीसदी लोग हैं तीन से पांच फीसदी मनुवादी जातिवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं जो इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं जो इस देश के भविष्य को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये देश कैसे मजबूत होगा जब इस देश का हर बच्चा चाहे वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो जब वो पढ़ेगा लिखेगा जब उसका बेहतर भविष्य होगा तभी वो बेहतर ये मुल्क बनेगा लेकिन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पंचानवे परसेंट लोग दास बने रहें मजदूर बने रहें लाचार और बेबस बने रहें ताकि उनकी उनका सिस्टम चलता रहे ताकि उनको मुफ्त में मजदूर मिलता रहे ताकि वो रंगरलिया मना सके ताकि वो उनके पर कोई नियम कानून लागू ना हो और तीन परसेंट लोग इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनकर मजा करते रहे और बाकी लाचार बेबस और उनके रहमो करम पर जिंदा रहे रोहित बेमोला इसी लड़ाई को लड़ रहे थे रोहित बेमोला इस देश के पंचानवे फीसदी उन लोगों की लड़ाई लड़ लर रहे थे जिनको किसी को जाति के नाम पर तो किसी के धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है वो जातिवाद के खिलाफ थे वो मनुवाद के खिलाफ थे वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और रोज आज भी आप मजदूर रहिए मजबूर रहिए लाचार रहिए बेबस रहिए कोई आपसे पूछने नहीं आएगा लेकिन आप कॉलेज में चले जाइए आप आईआईटी में चले जाइए आप आईआईएम में चले जाइए आप एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेज में चले जाइए आप हेल्थ डीजी बन जाइए जैसे ही इस देश का बहुजन समाज चपरासी बनता है या चीफ जस्टिस बनता है उसके साथ जातिवाद का खेल शुरू हो जाता है इस देश में अब जातिवाद उसको झेलना पड़ रहा है जो इस देश के सिस्टम में आ रहा है जो पढ़ा लिखा है जो जुडिशियरी मीडिया ब्यूरोक्रेसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहा है जो लाचार है बेबस है गरीब है वो रोहित बेमूला की माँ को नहीं मारेंगे राधिका बेमूला को वो रोहित बेमूला को मारेंगे क्योंकि रोहित बेमूला पी कर रहे थे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में चाह रहे थे वो उनके अपने हक की हिस्सेदारी खोज रहे थे मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश के पंचानवे परसेंट लोगों को इस अन्याय के खिलाफ असंवैधानिक कामों के खिलाफ खड़ा होना होगा एकजुट होना होगा और मैं फिर कह रहा हूं मैं जातिवाद मनुवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं मैं किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हूं लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सवाल है कि अगर तुलसी दुबे ने अगर किसी को शुद्ध अछूत नीच कहा है तो उसे सवाल क्यों ना पूछा जाए सवाल है रोहित बेमूला को एबीपी के लोगों ने मरने के लिए मजबूर किया स्मृति रानी स्वयं मंत्री थी बीजेपी के मंत्री ने चिट्ठी लिखी थी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो सवाल तो पूछा जाएगा मैं फिर कह रहा हूं हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो मुल्क बनाने के लिए वो इस देश के लोगों के लिए इस देश के सेना के लिए रोहित बेमुला इस देश को बेहतर करने की लड़ाई लड़ रहे थे इस देश में शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे थे इस देश के जो शोषक हैं उनको कह रहे थे कि आप अच्छा हो जाइए सुधर जाइए मैं फिर कह रहा हूँ भारत का संविधान सिर्फ इतना ही तो कहता है कि सबको बराबरी का न्याय मिले और रोहित बेमुला वही लड़ाई लड़ लर रहे थे लेकिन इस देश में मनुवादी जातिवादी ब्राह्मणवादी भर लोग हैं जिनका नेक्सस है मीडिया में जुडिशियरी में कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी में जिन्होंने कब्जा कर रखा है बेईमानी से चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक और वो रोज किसी न किसी कॉलेज में किसी न किसी नौकरी में किसी न किसी बिजनेस में किसी न किसी खेल में रोज रोहित बेमूला का शिकार करते हैं इनके खिलाफ एक ही तरीका है इनसे लड़ने का हम सब लोगों को अपनी अपने अपने अधिकार के लिए लिखना पड़ेगा बोलना पड़ेगा चिखना पड़ेगा और जिस दिन इस देश के पंचानवे परसेंट लोगों ने लिखना बोलना चिखना शुरू कर दिया ये जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग ठीक हो जाएंगे जब तक ये दुनिया रहेगी जब तक इंसानियत रहेगी आप रोहित बेमुला को मार नहीं पाएंगे रोहित बेमुला कोई आदमी नहीं था वो एक विचार था और विचार पत्थरों पर भी आता है सम्राट अशोक के विचार पत्थरों पर लिखे हुए हैं रोहित आज हर घर में है रोहित बेमूला सबके दिलों में बसते हैं और रोहित बेमूला तब तक रहेंगे जब तक बाबा साहेब का विचार रहेगा बुद्ध कबीर रविदास का विचार रहेगा सुनीलाल पटेल रामस्वरूप वर्मा का विचार रहेगा जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर का विचार रहेगा जब तक एंकली का विचार रहेगा जब तक इस देश में उन तमाम शोषित वंचित समाज के जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश के बेहतरी के लिए इस देश की इंसानियत के लिए मानवता के लिए लड़ाई लड़ी है तब तक रोहित बेमूला जिंदा रहेगा आप रोहित बेमूला को मार सकते हैं रोहित बेमूला के विचारों को नहीं मार सकते हैं उनके संघर्षों को नहीं मार सकते हैं मैं फिर कह रहा हूं सत्रह जनवरी इस देश के बहुजनों को प्रण लेना चाहिए कि हम अपने अपनी नस्लों को अपने आने वाले बच्चों को अब और नहीं मरने देंगे आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए ताकि हर घर से रोहित बेमूला निकले और वो बाबा साहेब फुले प्रियार अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाए और इस देश को समता मूलक बराबरी का अधिकार दिलाए इस देश को महित लिंग के आधार पर जाति के आधार पर धर्म के आधार पर जो महीन शोषण हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हों शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें, कमेंट जरूर करें